मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का उपयोग करके आप अपना मोबाइल रिचार्ज कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको अपना फ्लिपकार्ट को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना होगा। जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर फ्लिपकार्ट सर्च करना होगा। जैसे मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट को सर्च कर लेता हूँ, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन आ गया आएगा, तो आपको अपडेट कर लेना होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अपडेटेड वर्जन है, इसलिए मेरे को यहाँ पे ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे आपका अपडेट हो जाता है, अपडेट होने के बाद आपको ओपन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाए, तो आपको करना क्या होगा कि आपको इधर नीचे एक इस अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा। वैसे आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर पे जाना होगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो लिमिट मिली हुई है, आपको यहाँ पे लिमिट शो हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे यहाँ 5000 की यहाँ पर लिमिट मिली हुई है, जो मैं यहाँ पर अभी यूज नहीं किया हूँ। तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो जाएगा, पे योर हाउस होल्ड बिल ऑन फ्लिपकार्ट, यहाँ से आपको पेन ऐप पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप पेन ऐप पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे मोबाइल पोस्टपैड का है, गैस का है, लैंडलाइन पोस्टपैड का है, ब्रॉडबैंड पोस्टपैड है, वाटर का है, इंश्योरेंस है, क्लब एसोसिएशन है, एजुकेशन फीस है, सी मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हाउसिंग सिक्योरिटी, मल्टीपल टैक्स, हॉस्पिटल, केबल टीवी सब्सक्रिप्शन, म्यूनिसिपल सर्विस, आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या होगा कि आपको मोबाइल रिचार्ज करना होगा। तो एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम फ्लिपकार्ट ने नहीं दिया है जिससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सारे जो बिल है, ये एक प्रकार के बिल जनरेट होते हैं, उनकी यहाँ पर सर्विस दी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको बता देते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप मोबाइल रिचार्ज होता है वो आपकी सिम पोस्ट प्रीपेड होती है, लेकिन यहाँ पे जो सिम है, जो पोस्टपेड है, जिसकी बिल जनरेट होती है, वो यहाँ पे पोस्टपेड सिम होती है, यानी आपको उसका बिल जमा कर सकते हैं, लेकिन अपना मोबाइल रिचार्ज यहाँ से नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा।